नमस्कार, मैं सविता सिंह, कुक विद सवी में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ व्रत वाली साबूदाने की टिक्की, जो कि निश्चित ही आपको पसंद आएगा। ये बहुत ही हेल्दी बना रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। साबूदाने की टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम मूंगफली को ड्राई रोस्ट करेंगे। उसके लिए मैंने आधा कप के करीब मूँगफली लिया है, जिसे खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। सूखा ही भुनेंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास मूँगफली है तो डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है, इससे टिक्की का स्वाद बढ़ जाता है। इसे लगातार चलाते हुए इसके चटकने तक भुनेंगे। मूँगफली भुन गई है, ये पता करने के लिए जैसे ही मूँगफली चटकने लगे या इस पर थोड़े से मार्क्स पड़ने लगे तो गैस की आंच को बंद कर देना चाहिए और उसके बाद इसे लगातार चलाते हुए भुनना चाहिए। मैंने गैस की आंच को बंद कर दिया है। इसे लगभग एक मिनट तक हम चलाएंगे, उसके बाद इसे दूसरे बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। ये मूंगफली हो गई है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं और ठंडा होने के बाद इसे हम इसका छिलका निकाल लेंगे। साबूदाने की टिक्की बनाने के लिए मैंने 5 आलू मीडियम साइज़ के लिए हैं, जिन्हें कि कद्दूकस कर लिया है, ग्रेट कर लिया है। इसमें लगभग 1 कप के करीब साबूदाना, जिसे कि मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के और फिर उसके बाद छान के रख दिया था, 1/2 कप के करीब कटी हुई, बारीक कटी हुई पालक, 1 से 1.5 चम्मच के करीब अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डाल रहे हैं। इसमें लहसुन बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं क्योंकि इसे व्रत के लिए बना रहे हैं हम। थोड़ी सी बारीक कटी हरी धनिया, अब इसमें स्वादानुसार सेंधा नमक डाल देंगे और ये जो मूंगफली मैंने ड्राई रोस्ट किया था उसका भी छिलका निकाल के डाल देंगे। इन सबको खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑयल को हाथों पे लगा लेंगे और उसके बाद से जितनी बड़ी आपको टिक्की बनानी हो उतना पोर्शन लेके और इसे शेप दे देंगे। ये देखिए हमारी टिक्की तैयार है, तो इसी तरह से हम सारी टिक्कियों को बना लेंगे। अब तेल हमारा खूब अच्छे से गर्म हो गया है, तो चलिए टिक्कियों को फ्राई कर लेते हैं। साबूदाने की टिक्की बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि तेल खूब गर्म हो, अदरवाइज टिक्कियां जो है फटने लगेंगी। और थोड़ा रुक रुक के डालें। टिक्कियों को बहुत ज़्यादा उलटना पलटना नहीं है, जब एक तरफ से सिक जाए तब इसे हम पलटेंगे। तो देखिए ये गोल्डन ब्राउन सिक के हमारी टिक्की तैयार हुई है, तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारी टिक्कियों को सेक लेंगे। ये हमारी साबूदाने की टिक्की बनके तैयार है, तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारी व्रत वाली क्रिस्पी करारी साबूदाने की टिक्की। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपको कैसा लगा। चटनी भी मैंने व्रत वाली बनाई है, इसमें लहसुन नहीं डाला है, बाकी सारी चीज़ें डाली हैं और सेंधा नमक डाला है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।